जैसे सरकार ने एक ग्रुप में 10,000 रुपए दिए, हाँ जी, तो ऐसे ही संगठन में सरकार ने एक ग्रुप को दिए 50,000 रुपए। अच्छा जी। तो जैसे मेरे 9 स्वयं सहायता समूह हैं, हाँ, तो 4.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से हमें मिला, जो जो रिफंड नहीं करने हैं, रिटर्न नहीं, नहीं, नहीं। इन सब की रेसिपी आपने खुद बनाई है या फिर इसके बाद कुछ रेसिपी आपने खुद ऐड किया है? जो 5 तरह की कुकीज हैं, हाँ, इनको तो बॉम्बे से सैफ आके एनजीओ के माध्यम से ही हमें ट्रेनिंग दिलवाई गई, ठीक है, और इनकी मार्केटिंग में भी एनजीओ ने हेल्प की। दोस्तों, आज हम आए हैं चंदू गांव के अंदर, जहाँ पे पूजा शर्मा जी ने एक संस्था बना रखी है, जिन्होंने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेके और एक अच्छे खासी कंपनी बना रखी है, जिनके जो कुकीज़ बनाती हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 5-स्टार होटल्स में, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे सेल होते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाती हैं और लगभग 150 महिलाओं को रोज़गार दे रखा है। आज हम इनसे जानेंगे कि कोई भी महिला जो गृहिणी घर में जो सरकारी समुदाय से जुड़ के, सरकारी समूह जुड़ के, KVK या फिर जो राष्ट्रीय स्वरोजगार जो मिशन होता है, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनसे जुड़ के कैसे लाभ कमा सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, अपनी संस्था खड़ी कर सकती हैं। तो आज मैम से कंप्लीट जानकारी लेते हैं। ये स्पेशली वीडियो महिलाओं के लिए है, जो महिला स्वयं का कोई काम शुरू करना चाहती हैं उनके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि कंप्लीट आपको जानकारी जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू। सबसे पहले जानना चाहूँगा, एक महिला जो कोई काम शुरू करती है सरकार के सहयोग से, तो आपके जो सफ़र की शुरुआत है वो कैसे, आपने एक अच्छी खासी कंपनी बनाई जिसकी वजह से आप आज काफ़ी बड़े बड़े जो मॉल हैं, सेंटर हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो आपकी ये शुरुआत कैसे की ताकि और भी महिलाएं आपसे प्रेरित होकर इसी तरह का काम शुरू कर सकें? पहले क्या था कि पूरा परिवार इकट्ठा था और कैसे मतलब घर के खर्चे होते हैं पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो सबको अलग अलग भी होना पड़ा, तो जब हम अलग हुए तो एकदम से सारा वजन मेरे पति और मेरे ऊपर ही आ गया, क्योंकि सारी जिम्मेवारी हमें ही संभालनी थी और 3 बच्चे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी न किसी माध्यम से मैं भी अपने पति की हेल्प करूं, क्योंकि इनकी नौकरी परमानेंट नहीं थी और सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी मदद करूं कुछ ना कुछ काम करके। तो 1.5 साल तक मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया, तो उस गांव में मैं मात्र 2,500 रुपये में जाने लगी थी। वहाँ पर क्या था कि बच्चों को, महिलाओं को समझाना था, पूरा दिन विजिट करना होता था कि कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी रखते थे उस गांव में और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, तो मेरे प्रयास से मतलब काफ़ी फर्क वहाँ पे पड़ा। तो 1.5 साल के बाद फिर मैं घर पे वापस ही बैठ गई, तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं मदद कर पाऊँ, तो फिर मैंने हमारे मतलब परिवार की बहुत ही पुरानी खंड रवेली थी जिसमें मैंने एक गाय पाली, गाय पाल के मैंने दूध बेचना शुरू किया, हाँ जी, और दूध बेच के मैंने मतलब कुछ जो कमाई होती तो उससे परिवार की हेल्प होती और बच्चों को पीने के लिए दूध भी मिल जाता, तो फिर एक गाय से ही मैंने धीरे धीरे करके, एक गाय गली में ऐसे ही घूम रही थी, उसको किसी ने चोट मार रखी थी तो उसको भी मैंने उस गाय के साथ पाला, और एक गाय से मैंने 2 गाय कर ली, तो धीरे धीरे जैसे उसकी सेवा की तो गाय भी बहुत अच्छी बन गई, तो दोनों गाय फिर दूध देने लगी, और 2 गाय से मैंने 7-7 गाय मतलब रखी अपने साथ, हाँ जी, और दोनों टाइम खेतों से चारा लेके आना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हाँ जी, खेतों में जाना फिर चारा लेके आना, फिर बच्चों के आने से पहले घर पे होना, मतलब बच्चे भी छोटे ही थे क्योंकि उनका भी मेरे को ही देखना था, हाँ जी, तो ऐसे ही सब चलता रहा। फिर 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ सिलाई सेंटर आया, तो जिसमें मैंने भी सिलाई सीखी, तो सिलाई सीखने के बाद मैंने मैडम को बोला, कविता बिष्ट मैम थी, कि मैम कोई ऐसी ट्रेनिंग हमें दो जिससे हम मतलब कुछ घर बैठे काम कर सकें, क्योंकि गांव की महिलाएं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती और निकलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि घूंघट वगैरह होता है, तो इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ जी। तो मैडम ने बोला कि ठीक है, आप कृषि विज्ञान केंद्र आओ और 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी, हाँ जी। तो हमने सोयाबीन की ट्रेनिंग वहाँ पे जाके ली, रोस्टेड सोया नट्स की, हाँ जी। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने काम शुरू किया, और काम जैसे ही शुरू किया तो KVK वालों ने भी काफ़ी हेल्प हमारी की, हाँ जी। लेकिन फिर मार्केटिंग की समस्या, क्योंकि बाहर कोई जाएगा नहीं,
और सामान बिकेगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं फिर घर से बाहर भी निकलने लगी और मेरे पति ने भी मतलब बड़ा सहयोग किया, कभी मना नहीं किया हमेशा। कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने आपको एक ओवन दे दिया? हाँ जी, ओवन दिया। हाँ जी। जिसमें हमने अपनी शुरुआत की। हाँ जी। जैसे सोया नट्स की ट्रेनिंग तो हमने ली। हाँ जी। फिर बचपन से ही खेती बाड़ी किया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे किसान भाइयों का भी फायदा हो। हाँ जी। तो हमने जैसे गेहूं से दलिया बनाया और बाजरे से खिचड़ी। हाँ जी। बाजरे से लड्डू। तो मेरा मानना है कि किसानों की आय डबल भी हम ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ में महिलाओं को ले गए। बिल्कुल। तो महिला जो स्वयं सहायता समूह हमारे बड़े हुए थे। हाँ जी। इसको हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी साथ में जोड़ा। हाँ जी। तो मैम जैसे आपने फिर आपने जो ओवन मिला, आपने रोस्टेड जो सोया नट्स बनाने शुरू किए, उसके बाद फिर आपने जो एनजीओ से कैसे मुलाकात हुई, कैसे आपके पास वो लोग आए? शुरुआत हमने 2013 में की थी। हाँ जी। लेकिन एनजीओ 2017 में हमारे साथ आया। हाँ जी। हम 2013 से ही लगे हुए थे, जैसे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपने ग्रुप को जोड़ के। हाँ जी। और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपना काम शुरू कर रखा था। अब जैसे जो काम हम कर रहे थे। हाँ जी। जो भी हम प्रोडक्ट हाथों से या मशीनों से बना रहे थे तो उनको एक बेचने के लिए मार्केट हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने हमें दिलाई। हाँ जी। क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मेला होता है। हाँ जी। प्रगति मैदान में और सूरज कुंड मेला होता है, हम ऐसी जगह हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जाने लगे। उन्होंने कैसे सहायता की आप सबको, मतलब वो जैसे तो उस समूह ने आपकी कैसे सहायता की? जैसे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं हर गांव में। हाँ जी। और सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं एडीसी ऑफिस के थ्रू। हाँ जी। तो जैसे हमारे गुड़गांव में भी सभी गांव में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। हाँ जी। ये स्कीम 2014 में लागू हुई थी। हाँ। लेकिन मेरा ग्रुप 2013 में ही बन गया था कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। हाँ जी। फिर मैंने 2014 में ही हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी अपने ग्रुप को जोड़ा। हाँ जी। जोड़ने के बाद हमें काफी मतलब फायदा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी हुआ। हाँ जी। क्योंकि 10,000 रुपये इसमें रेनुअल फंड मिलता है ग्रुप बनने के बाद, वो 10,000 रुपये सरकार महिलाओं को ग्रुप में देती है, फिर वापिस नहीं होता, तो उसको महिलाएं लेन देन कर सकती हैं। अच्छा, स्वयं के काम कार्य के लिए। हाँ जी, हाँ। और उसका जो ब्याज होता है और जो पैसा होता है वो ग्रुप में ही रहता है। हाँ जी। और महिला, एक महिला 200 रुपये महीना में जमा करती है। ठीक है जी। आज हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के मैंने 9 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और गाँव की 150 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। मैम उसके बाद जैसे आपने ये सोया नट्स से काम शुरू हुआ, फिर जो एनजीओ आपसे जुड़ा 2017 के अंदर, उन्होंने कैसे आपकी सहायता की उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब एनजीओ हमारे साथ आया। हाँ जी। 2017 में तो उन्होंने बेकरी ओवन हमारे यहाँ पे लगवाया जो आप पीछे देख रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लगने से क्या है, ज़्यादा महिलाएं हमसे जुड़ी। हाँ जी। क्योंकि इनका टारगेट था कि 200 महिलाओं को काम देना है। हाँ जी। तो मैं ये चाहती थी कि मेरी महिलाएं किसी ना किसी माध्यम से मतलब उनको काम मिले और वो अपने पैरों पे खड़ी हों। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि मेरे काम। मैम वो कौन सा एनजीओ था? एनजीओ का नाम एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज। हाँ जी। ये जैसे ही हमारे पास आया तो 200 महिलाओं को काम देने के लिए इन्होंने बोला। हाँ जी। तो हमने जिंग एंड जेस्ट नाम से कंपनी बनाई। हाँ जी। और 5 तरह की ऐसी कुकीज की ट्रेनिंग भी हमें दिलाई जो आज 5-स्टार होटल में जाती हैं। हाँ जी। और जैसे हमारे पास पहले तो मशीन नहीं थी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रहे थे, वही चीज़ें बनाते थे जो छोटी मोटी मशीनों से बन जाती है, हाथ से बनती है। हाँ जी। इसके आने से हमने क्या किया, जैसे बाजरे से हमने बिस्किट बनाना शुरू किया। हाँ जी। जवार से बिस्किट बनाया। हाँ जी। रागी से, जौ से, तो हमने वही देसी चीज़ें जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं उन्हीं सब चीज़ों के हमने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। हाँ जी। इसमें हम मूंग दाल का भी बिस्किट बना सकते हैं, चने का भी बिस्किट हम बना सकते हैं। बिल्कुल। हमने जैसे हमारा लगातार ऑर्डर भी जाता है उसमें हम लवास भी बनाते हैं। हाँ जी। मूंग दाल से, अभी जैसे कैंसर पेशेंट था एक, उसके लिए हमने मूंग दाल के लवास भी बनाए। हाँ। और बाजरे के मतलब जवार के बिस्किट भी अलग तरह के बनाए उसमें अदरक वगैरह डाल के। हाँ जी। तो जो जैसा ऑर्डर करता है वैसी ही वैरायटी हम उसको बना के दे देते हैं। मैम इसके अलावा सरकार ने और किस तरह से आप लोगों की सहायता की, ट्रेनिंग के लिए या फिर फंड के लिए कैसे क्या सहायता मिली आपको? देखो हमें कहीं बाहर से लोन वगैरह लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि हमारे ग्रुपों में इतना पैसा होता है। हाँ, अब जैसे मैंने 9 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। हाँ, तो उनके ऊपर मैंने पीवी सहयोग महिला ग्राम संगठन बनाया। अच्छा जी। जैसे सरकार ने एक ग्रुप में 10,000 रुपए दिए। हाँ,
तो ऐसे ही संगठन में सरकार ने एक ग्रुप को दिए 50,000 रुपए। अच्छा जी। तो जैसे मेरे 900 सहायता समूह हैं, तो 4.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से हमें मिला, जो रिफंड नहीं करने हैं, रिटर्न नहीं करना, ठीक है। और एक महिला उसमें 10 रुपए जमा करती है। अब एक महिला महीने में 10 रुपए संगठन में जमा करती है और ग्रुप में 200 रुपए करती है। अच्छा। तो अगर किसी महिला को कम पैसे की जरूरत है तो ग्रुप से उठा सकती है, ठीक है। और ज्यादा पैसे की अगर 1,00,000 रुपए की या 50,000 की जरूरत है तो संगठन से उठा सकती है। पहले क्या था, महिलाएं बाहर से पैसा लेती थी और लोग एहसान दिखाते थे और 4 से 5 रुपए ब्याज भी लेते थे महिलाओं से, और एकदम से राशि उल्टी पूरी करनी होती थी, मतलब एकदम से पूरा पैसा वापस देना होता था। अब क्या है, महिलाएं लोन उठाती हैं संगठन से या ग्रुप से, तो उनको किस्तों में पैसा वापस देना पड़ता है, बिल्कुल। और जो 1 रुपए सैकड़ा ब्याज महिला देती है वो सभी महिलाओं में बढ़ता है, मतलब ब्याज भी उनका और पैसा भी उनका, और किसी का एहसान भी नहीं। आज मेरी महिलाएं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती बल्कि उन्हें देती हैं। तो मैम, दूसरा, आपके जो बिस्किट बिकते हैं, मैं उनका रेट जानना चाहूंगा, किस रेट में आपके बिस्किट जो बनाते हैं वो बिक्री होते हैं? जो हमारी 5 तरह की कुकीज हैं, हाँ जी, ये जो जैसे वॉलनट है, फ्लैक्सीड है, चॉकलेट है, डबल चॉकलेट है और ओट्स, हाँ, 5 तरह की ऐसी कुकीज हैं जो 250 रुपए का, मतलब 200 ग्राम का पैकेट हमारा होता है, मतलब क्योंकि इसमें लगभग 1,250 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल। ये 5 तरह की कुकीज जो होती हैं ये 5-स्टार होटल में ही जा रही हैं, बाकी लोकल में हम इनको नहीं देते क्योंकि आम आदमी इनको नहीं खरीदेगा, बिल्कुल। और 5-स्टार होटल में ये सारे जाते हैं, सब में देसी घी डला होता है और ड्राई फ्रूट के ये पूरे बने होते हैं। इसके साथ ही लोकल के लिए हमने जैसे बाजरे का बिस्किट, ज्वार का बिस्किट तैयार किया, ऐसे ही हमने बाजरे का बिस्किट भी तैयार किया। तो मैम, इन सब की रेसिपी आपने खुद बनाई है या फिर इसके बाद कुछ रेसिपी आपने खुद ऐड किया है? जो 5 तरह की कुकीज हैं, इनको तो बॉम्बे से सैफ आके एनजीओ के माध्यम से ही हमें ट्रेनिंग दिलवाई गई, ठीक है, और इनकी मार्केटिंग में भी एनजीओ ने हेल्प की है हमारी। हाँ जी। बाकी लोकल में हमने खुद से ही बना दिया, क्योंकि एक बार अगर बिस्किट हमने बना लिया तो हम 10 तरह के बिस्किट उससे सीख के बना सकती हैं। तो मेरी महिलाएं आज इतनी एक्टिव हो चुकी हैं, ये अपने आप ही बना लेती हैं। तो मैम, जो एक्सेस एनजीओ है, उन्होंने कैसे मार्केटिंग में कैसे हेल्प किया आप सबकी? जैसे बड़ी बड़ी जगह पे जाना, बातचीत करने, वहाँ से ऑर्डर लेना, फिर लगातार ऑर्डर वहाँ से आता है। अच्छा। एक बार बात करने के बाद तो हम भी जाते हैं साथ में, हाँ जी, मिलने कि कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे बात करते हैं, उसमें क्या है, इसमें GST बारकोड सारी चीजें इसमें होती हैं, हाँ, क्योंकि बड़ी जगह पे हम ऐसे नहीं रख सकते, बिल्कुल, और GST के साथ ही रखा जाता है वहाँ पे, बिल्कुल। तो मैं, अभी कुल महिलाएं कितनी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, मतलब कितनी महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है? 150 महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। 100 महिलाएं जो है शेयर होल्डर हैं कंपनी में, और महिलाएं ही कंपनी में डायरेक्टर हैं। कच्चा माल मार्केट से लाना और ऑर्डर भी दे के आना, सारा काम आज महिलाएं खुद करती हैं। महिलाएं ही मतलब संभालती हैं कंपनी का पूरा, और जो साल में मुनाफा होगा वो सब भी महिलाओं का होगा, क्योंकि 100 महिलाएं इसमें शेयर होल्डर भी। मैम, इसको FPO बोलते हैं या और कोई नाम दे रखा है सरकार? नहीं, हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बनाई, हाँ, ये हमने जिंग एंड जेस्ट नाम से ही कंपनी बनाई है, बाकी सारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जुड़ी हुई हैं। मतलब सेम प्रोसीजर है FPO की तरह ही, जो प्रॉफिट आएगा वो जो शेयर होल्डर में, हाँ, सब में बढ़ जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। मैम, जैसे आपने काम शुरू किया था, इसी तरह से कोई महिला और भी काम शुरू करना चाहे तो क्या तरीका रहेगा, कैसे शुरुआत कैसे करें, वो भी किसी KVT से माध्यम से ट्रेनिंग लें, कैसे? वो कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके काम शुरू कर सकती है, हाँ जी। और साथ में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जुड़ सकती है, हाँ जी। अगर कोई महिला बाहर से है तो जैसे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में है, ऐसे ही पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको जानते हैं, हाँ जी। वो कहीं से भी जुड़ सकती है, हाँ जी। और अपना काम शुरू कर सकती है। अगर यहाँ आके ट्रेनिंग लेना चाहे तो ट्रेनिंग भी लेके अपना काम शुरू कर सकती है। जो राष्ट्रीय आजीविका आपने बताया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, तो उससे किस अधिकारी से, किस डिपार्टमेंट में संपर्क करना पड़ेगा? हमारे यहाँ जैसे गुरुग्राम में ADC ऑफिस के थ्रू, हाँ, संपर्क करना होता है। ADC ऑफिस के थ्रू ही ग्रुप बनाए जाते हैं, हाँ, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में ADC ऑफिस के थ्रू ही बनते होंगे शायद मेरी। हाँ जी। तो ट्रेनिंग भी वहीं से,
या फिर वहाँ से कैसे विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं? केवीके से ट्रेनिंग मिलेगा? हाँ जी। और ग्रामीण जो आपने योजना बताई, आजीविका मिशन बताया, वहाँ से मतलब राशि मिलेगी कार्य करने के लिए, सहयोग मिलेगा? हाँ जी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगी राशि। हाँ जी, क्योंकि सरकार की तरफ से हर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, सब जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। हाँ जी। और सारी सरकारी स्कीमों का फायदा महिलाएं आज उठा भी रही हैं। हाँ जी। क्योंकि जब हम जाते हैं ट्रेड फेयर में या कहीं भी एग्जीबिशन होती है, तो वहाँ पे पूरे देश से महिलाएं आती हैं जो ऐसे छोटे छोटे अपने गृह उद्योग लगा के काम भी शुरू कर रही हैं। तो इसके लिए क्या महिला की कोई एलिजिबिलिटी है, योग्यता, पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध है या फिर कैसे? जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होने भी जरूरी हैं। हाँ। जैसे ग्रुप में 3 लोग पदाधिकारी बनते हैं, हाँ, प्रधान सचिव खजांची। हाँ जी। अगर हम प्रधान सचिव खजांची को पढ़े लिखे लेंगे तो हिसाब किताब करने में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। और गड़बड़ भी नहीं होगी। हाँ जी। तो उसके साथ एक क्यों ना एक अनपढ़ महिला को भी लेने, ताकि वो भी सीखेगी उनसे, क्योंकि बैठ के वो पैसे तो गिन ही सकती है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी नॉलेज आएगा। तो 8 पढ़ी हुई महिला भी आज बीए का काम करती है। बिल्कुल। पहले महिलाओं को ये भी नहीं पता था कैसे बैंक की स्लिप भरी जाती है। हाँ जी, आज महिलाएं खुद से लोन देती हैं। बिल्कुल। खुद बैंक में जाके पैसे निकालती हैं, पैसे जमा करती हैं। हाँ। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। मतलब योग्यता, पढ़ाई कोई संबंध नहीं इस चीज का? नहीं, नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ स्वयं सहायता समूह के लिए ADC ऑफिस में जाओ। हाँ। और इस तरह आपकी तरह कोई प्रोडक्ट पे कार्य करने के लिए, बनाने के लिए केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। हाँ जी। जो अगर एक ग्रुप में 10 महिलाओं में से 3 महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, तो ग्रुप अच्छे से चल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो सभी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस में फिर से जानना चाहूँगा एक बार। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9992029845। हाँ जी। पूजा शर्मा, गाँव चंदू। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।